हुनर से रूबरू कराने हुनरबाज आपको कहाँ कहाँ नहीं ले गया, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में, कारवार के समंदर में, कश्मीर की वादियों में, यहाँ तक कि सात समंदर पार विदेशों में भी। लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, जमीन के नीचे। क्या हुआ, डर गए आप? अरे डरिए मत, चलिए और देखिए कि यहाँ पर आपके लिए कौन सा खजाना छुपा है। राजस्थान से करीब 250 किलोमीटर दूर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है खेतरी, जो तांबा यानी कॉपर माइंस के लिए खास तौर पर जाना जाता है। और यहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने लोगों को माइन से कॉपर निकालने का हुनरबाज बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसे और नजदीक से समझने के लिए हुनरबाज की टीम पहुंच गई खेतरी। यही एक इंडिया का पहला वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर माइंस है। कहने का मतलब यह है कि यहीं पे माइनिंग भी होता है, यहीं पे प्रोसेसिंग भी होता है, यहीं पे स्मेल्टिंग भी होता है, यहीं पे रिफाइनरी भी होता है, और यहीं पे कॉपर के वायर भी बनाए जाते हैं। मतलब यू कैन से कि ए टू जेड ये सारे के सारे कॉपर का पूरा जो काम है वो यहाँ पे होता है। यानी रॉ ओर से कॉपर वायर्स सब यहीं बनते हैं। अरे भाई, ये वही कॉपर वायर्स हैं जिनकी मदद से आपके घर जगमगाते हैं, यानी आपके घरों में बिजली आती है। भारत में कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा है और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी, लेकिन ये काम कोई साधारण काम नहीं है। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जाकर काम करना पड़ता है, जिसमें होते हैं हाई रिस्क, और इसी वजह से यहाँ जरूरत होती है सही ट्रेनिंग और स्किल्ड मैन पावर की। स्टेट काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर खनन क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वर्क इंडस्ट्री के साथ ट्रेनिंग लेकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में प्राप्त करेगा, क्लासरूम एंड लैब ट्रेनिंग सेंटर में प्राप्त करेगा, और जिस दिन वो सर्टिफाई होकर नौकरी के लिए जाएगा, पहले दिन से ही वो अपने कार्य में पूरी तरह से दक्ष होगा। इंडस्ट्री चाहता है कि हमारे ट्रेन किए हुए युवक युवतियाँ इंडस्ट्री में आए और इन हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट वाली मशीनों में काम करें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लें, ताकि वो पहले दिन से ही डे वन प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री को डिलीवर कर सकें। फिमी, एनएसटीसी और एससीएमएस यानी स्किल काउंसिल ऑफ माइनिंग सेक्टर के सहयोग से एचसीएल के क्षेत्रीय वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 3 ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, ब्लास्टर और सर्वेयर। खेतरी के पास ही रहने वाले विकास भी यहाँ से सर्वेयर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। विकास जी, पहले हमें ये बताइए कि आखिर ये सर्वेयर होता कौन है? माइन सर्वेयर एक माइनिंग की आँख होती है, मतलब जो माइन सर्वेयर दिखाता है किसी को, वो लोगों को देखना पड़ता है। अगर वो कुछ गलत दिखा रहा है तो लोग गलत ही देखेंगे। तब हम खुशी हुई कि चलो अच्छा तो है, हम कहीं माइन की आँख बनने जा रहे हैं, कुछ लोगों को दिखाएंगे। खान की आँख, भाई वाह, आपका हुनर तो कमाल का है, जो इतने फीट नीचे जमीन में ये पता लगा लेता है कि कॉपर कहाँ मिलेगा, फिर ब्लास्टर वहाँ ब्लास्ट करते हैं, अंदर जाने का रास्ता बनता है, और फिर हमारे हुनरबाज सैकड़ों फीट नीचे जमीन में जाकर कॉपर एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और इनको नीचे भेजने का काम करते हैं ये वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर। ये जो बड़ी सी लिफ्ट आप देख रहे हैं, इसको नीचे से ऊपर लाना भी अपने आप में एक हुनर है। इस पूरे प्रोसेस को जानकर मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ और फैसला किया कि माइन में अंदर जाने का, लेकिन सच बहुत डर लग रहा था, और मेरा डर इतना हावी हुआ कि 4 फीट नीचे जाने के बाद ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं ऊपर आ गई। लेकिन समझ में आ गया कि कितना मुश्किल है ये काम, और शायद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब सर्वेयर पोस्ट में ज्वाइन करेगा, अराउंड 30-40,000 रुपीस पर मंथ मिल सकता है। शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो सोचिए आपकी तरक्की का ग्राफ कहाँ तक पहुँच सकता है ना? और तरक्की का ही तो सपना लेकर आता है यहाँ हरिओवा। यहाँ पहुँचने से पहले सपना तो ये था कि मैं बेल्ट की नौकरी में जाऊँ,
यहाँ पे आने के बाद मेरा सपना वही है कि मैं सिस्टम माइन सर्वेयर बनना है मेरे। यूं ही मेहनत और लगन से जुटे रहिए, आपका हुनर जरूर रंग दिखाएगा और आप वो देख पाएंगे जो हम आम इंसान कभी नहीं देख सकते, जमीन के अंदर कॉपर। तो कैसा लगा आपको जमीन के नीचे का ये सफर? भाई मेरे लिए तो जितना एक्साइटिंग था उतना ही डर भी लग रहा था, और एक बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि सिर्फ हुनर ही नहीं, इस काम को करने के लिए बहुत बड़ा जिगर भी चाहिए।